मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हिप्नोटिज्म, मतलब सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कैसा असर करता है उसके बारे में। तो हिप्नोटिज्म या हिप्नोथेरेपी जो है, उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हिप्नोटाइज करते हैं, सम्मोहित करते हैं उसको। उसकी एक प्रक्रिया है जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताई हुई है, और वो प्रक्रिया से उसको हिप्नोटाइज करने के बाद में फिर उसको सूचनाएं देते हैं, सजेशंस देते हैं। वो जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया से जब वो जाता है, मतलब वो प्रक्रिया का पालन, मतलब वो जो सूचना है उसका पालन करते 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 वो हिप्नोटाइज हो जाता है। तो ये सम्मोहन अवस्था में पेशेंट ना वो जागरूक है पूरा, ना सोया हुआ है, ऐसी एक तरल अवस्था है कि जिसमें वो सूचना ग्रहण करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। अब वो जो सूचना है वो जाती है अंतर्मन में। अब लोग बोलते हैं अंतर्मन कहाँ है, एक्चुअली अंतर्मन जो है वो भी साइंस ये बोलता है कि अंतर्मन, मतलब साइंटिफिक भाषा में जो मुझे बोलना है तो वो है ब्रेन, वो जो ऑटोमेटिक चल रहा है। और वो ब्रेन जो ऑटोमेटिक चल रहा है उसके न्यूरॉन्स है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स, मतलब 100 करोड़ के ऊपर न्यूरॉन्स ब्रेन में है, मतलब सेल्स ब्रेन में है, और एक दूसरे को वो जुड़े हुए, ऐसा प्लेक्सस तैयार हुए हैं। अब वो न्यूरॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देते हैं या फिर केमिकल इम्पल्सेस देते हैं, और आपस में उनका व्यवहार चलते रहता है, इम्पल्सेस देके खबर एक दूसरे को देते रहते हैं। वो सम्मोहन में क्या करते हैं कि हम ब्रेन को, ब्रेन के ऊपर वो बार 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 बोल बोल के हैमरिंग करते हैं। जब ब्रेन के ऊपर हैमरिंग करना है, इसका मतलब हम क्या करते हैं कि नए प्लेक्सेसेस तैयार करना, एक नई ब्रेन की स्टेट तैयार करना, एक स्ट्रक्चर जो ब्रेन का बना हुआ है उसको बार 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 हैमर करके एक नया स्ट्रक्चर तैयार करना। और वो स्ट्रक्चर जब तैयार हो जाएगा, उसकी जब एक ऐसे पक्के प्लेक्सेसेस तैयार हो जाएंगे, तो फिर आदमी वैसा काम करना चालू करे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक आधा व्यक्ति है उसको कसरत करने की आदत नहीं है, और कसरत नहीं करके एक्सरसाइज नहीं करके, उसके ब्रेन को एक्सरसाइज नहीं करने की आदत हो गई और एक्सरसाइज नहीं करता है। कितनी भी उसकी चाहत है कि मैंने फिट होना चाहिए, मैंने एक्सरसाइज करना चाहिए, मगर वो करता नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम सूचना देंगे सम्मोहन अवस्था में, बार 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 सूचना देंगे कि भाई एक्सरसाइज करना कैसे ज़रूरी है, एक्सरसाइज करने के समय आपको कितना अच्छा लगेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप रोज़ सवेरे उठ के एक्सरसाइज कर रहे हो, ऐसे बार 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 सूचना देते हैं तो ब्रेन में वैसे नए प्लेक्सेसेस तैयार हो जाते, नए कॉम्प्लेक्सेस तैयार हो जाते न्यूरॉन्स के, और वो नए कनेक्शंस नई कनेक्टिविटी तैयार हो जाती है, और वो जो बार 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 हैमरिंग करके एक नया स्ट्रक्चर ब्रेन में तैयार होता है, अभी उसकी हैबिट हो जाती है। कौन सी? एक्सरसाइज करने की, क्योंकि अभी एक्सरसाइज करके बार बार हैमर करके नए प्लेक्सेस करके वो एक्सरसाइज करने की आदत हो जाएंगी, और फिर वो ब्रेन ऐसा काम करेंगे। तो लोग बोलते हैं कि सम्मोहन अव्यक्त मन या अंतर्मन, मतलब अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली वो ब्रेन को ही बार बार हैमरिंग करना है और एक नया ब्रेन का नवनिर्माण करने का है। जो ब्रेन का पहला पैटर्न है वो नया पैटर्न ब्रेन का तैयार करना है, और वो सम्मोहन में होता है। इसलिए आप सम्मोहन, स्वसम्मोहन कीजिए, मतलब खुद ने खुद के ऊपर सम्मोहन करना, या हमारे सम्मोहन करके लीजिए। लोग हमको ऑनलाइन कॉल करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, सम्मोहन के बारे में हमारे वर्कशॉप्स में आते हैं, ऑनलाइन सम्मोहन सीखते हैं, हमारी बुक्स है वो भी सम्मोहन में, मतलब उसमें भी काफ़ी मैंने सम्मोहन के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सम्मोहन के बारे में लोग इलाज करते हैं, काउंसिलिंग करते हैं, हिप्नो काउंसिलिंग हम जिसको बोलते हैं, और अपने जो विकार है उसको अच्छा कर लेते हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल में लोग अपने पेशेंट को लेके आके उनका इलाज वहाँ करते हैं। मैं ज़्यादातर लोगों को ये बोलता हूँ कि यहाँ मेरे साथ में आके बैठो, 3 दिन 4 दिन समय निकालो, और मैं आपको हिप्नोटाइज करूँगा, मैं आपको हिप्नोटिज्म सिखाऊँगा, बाद में अपने घर में प्रैक्टिस करनी है। या फिर लोग जो नज़दीक के पास के हैं, वो हर हफ्ते में एक बार ऐसा यहाँ आते हैं, मैं उनको हिप्नोटाइज करता हूँ, फिर 7 दिन उनको होमवर्क देता हूँ घर में करने के लिए, फिर घर में 7 दिन हिप्नोटाइज खुद को कर लेते हैं, या फिर उनको मोबाइल में मेरा ऑडियो देता हूँ और फिर वो घर में सीख लेते हैं, और बाद में यहाँ आने के बाद में फिर और उसमें करेक्शन कर लेते हैं। मैं सरदम बोलता हूँ कि 1000 बार हिप्नोटाइज आप खुद को करेंगे, 1000 बार, और वो भी 15 से 20 मिनट का हर सेशन, तो डेफिनेटली ब्रेन के नए पैटर्न तैयार हो जाएंगे, नए प्लेक्सेस तैयार हो जाएंगे, और आपको उसका फ़ायदा हो जाएगा।
ये हिप्नोटिज्म लोगों को मालूम नहीं है। हम ऐसा बोलते कि हमारे स्वभाव को कोई दवाई नहीं है, स्वभाव नहीं बदल सकता, ऐसा ऐसी कहावत थी पहले, स्वभाव बदल सकता है, अपना जो होना है, अपना जो व्यक्तिमत्व बदल सकता है, और उसका सम्मोहन ये इलाज है, सम्मोहन के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग होंगे इनको ज़रूरत होंगी सम्मोहन की, आप ये वीडियो लोगों को शेयर करो, आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बेल आइकन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।